मासूम मासूम कातिल फिल्म की शूटिंग, उसकी डबिंग हो रही है और डबिंग देखो कैसे खाली करते हाथ हैं। कब तक रहेंगे खाली हाथ? अरे खाली हाथ कब तक रहेंगे खाली हाथ? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस केस का निपटारा होगा सर। मैं बोल रहा हूँ सर, सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही बुलवा लो पहले। हाँ पहले आप इतना ही बोल दो, सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कब तक रहेंगे खाली हाथ? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही बोल दीजिए पहले। छोटा करी डाला सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी किस केस का निपटारा होगा सर। बोल दो सर, हम लगे हुए हैं। सर हम लगे हुए हैं। ये तो मतलब मेरी सीनी कट जाएगा। सर हम लगे हुए हैं। नहीं नहीं उसके बाद आगे भी, उसके बाद आगे भी आपका। सर हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस केस का निपटारा होगा। ये आपको नॉर्मल बोलना है। सर हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस केस का निपटारा होगा सर। ये ठीक रहेगा। ये ये मासूम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद मासूम कातिल की शूटिंग। साइलेंस जोर लगा लिया, लेकिन इस केस में हमारे खाली आती हैं अब तक। सर हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस केस का निपटारा होगा सर। ये वाला सही आया होगा। खाली हाथ तक रहेंगे खाली हाथ? सर हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस केस का निपटारा होगा सर। रहेंगे खाली हाथ? सर हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस केस का निपटारा होगा सर। तेज बोलूंगा तो वो, हाँ वो वर्ड को अटक जाएंगे। डिपार्टमेंट में आपके इंटेलिजेंसी के चर्चे होते हैं, आप जैसे इंटेलिजेंट ऑफिसर के होते हुए भी इस केस में पुलिस बिल्कुल खाली हाथ, कातिल का कोई सुराग नहीं है अभी तक। नालों पे कूड़े के ढेर पे मासूम कातिल फिल्म की शूटिंग और उसकी डबिंग, डबिंग देखो कैसी होती है, कैसे फेस के साथ आवाज मिलानी होती है। तो आपको फिल्म की एडिटिंग दिखा रहे हैं हम, आज तक आपने एडिटिंग नहीं देखी होगी कि कैसे डबिंग करते हैं, कैसे एडिटिंग होती है। ये फिल्म की एडिटिंग और डबिंग, ये भाई साहब यही है जो अभी बोल रहे हैं, ये आपके आप जो ये देखो ये फिल्म में है और ये यहाँ पे अब आवाज मैच कर रहे हैं। आप क्या बने हो सर? इंस्पेक्टर अरुण दलाल। अरुण दलाल फिल्म का, फिल्म का नाम मासूम कातिल। मासूम कातिल कब रिलीज होगी? अक्टूबर 2022 बड़े पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। अच्छा शानविका प्रोडक्शन। क्या नाम है? शानविका प्रोडक्शन। मिस्टर श्याम भारतीय जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो उनके, उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो उनसे भी मुलाकात करा दो। हाँ जी वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हैं। उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी मैम आपका क्या नाम है? आप क्या कर रहे हो इस फिल्म में? मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्किंग हूँ और मुझे सर ने एक छोटा सा रोल भी प्ले करने के लिए दिया। बहुत अच्छा रोल है न्यूज रिपोर्टर का। आप कब से फिल्मों में क्या 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 कर रहे हैं बताएंगे थोड़ा? मैं 5 इयर्स से इसी इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ और श्याम भारती सर के साथ ही वर्क कर रही हूँ। इनकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्टार्टिंग से इन्हीं के साथ ही मैंने स्टार्टअप किया था। तो आगे क्या करने का इरादा है? एक्टिंग करना है, डायरेक्टर बनना है, क्या करने का इरादा है आगे फिल्म लाइन में? वैसे तो डायरेक्शन में ही जाना है मुझे, बट देखते हैं आगे जो अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हें एक्सेप्ट करना है। तो एक्टर का भी रोल करेंगे और डायरेक्टर भी बनेंगे हैं? देखते हैं नसीब कहाँ ले जाता है। नसीब तो ले जाता है लेकिन आपका शौक क्या है? मुझे डायरेक्शन करना है। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन में क्या क्या काम होते हैं? डायरेक्शन में पूरी मूवी को हम एक डायरेक्शन देते हैं, एक मतलब स्क्रीन पे प्ले जो होता है पूरा वो डायरेक्टर के हाथ में होता है, किस तरीके से करवाया जाए। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक का ध्यान रखा जाता है। थैंक यू मैम। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम है दीपक मोहन। आप कैसे आए हैं? जी मैं भी इस फिल्म में जो भी पार्ट मिलेगा, चाहे उसमें एक्टिंग का हो या फिर कोई डायलॉग का हो, पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक हूँ। वैसे सर आप करते क्या हैं? मेरा वैसे
पहले प्रॉपर्टी का काम था। कहाँ पे? यही अपना उत्तम नगर मोहन गार्डन के अंदर। अच्छा, तो श्याम भारती जी इधर प्रॉपर्टी से इधर शौक कैसे आ गया एकदम? शौक तो मेरे को पहले से ही था। अच्छा, फिल्में करते रहते हो आप? हाँ जी, मतलब श्याम भारती जी से मेरे को बातचीत हुई, उन्होंने ऑफर दिया मेरे को, शानी प्रोडक्शन है तो उन्होंने बताया कि फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ी, फिल्म की अच्छी स्टोरी लगी और मुझे अपना रोल बहुत पसंद आया तो मैंने तुरंत यहाँ कर दी रोल के लिए। दीपक जी आप भी रोल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को भी बड़ा सौभाग्य मिला जी, श्याम भारती जी के साथ जो हमारे डायरेक्टर हैं और शिवानी प्रोडक्शन के अंडर ये मूवी आने वाली है, उसमें मुझे जो भी रोल मिलेगा मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप क्या करते हैं वैसे? जी मेरा प्रोफेशनली मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड हूँ। सारे डीलर ही, प्रॉपर्टी डीलर ही हैं? अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर से जुड़े हुए लोग हैं। पैसा ही डीलरों के पास है ना? जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जी। जमीन से जुड़े लोग हैं। आप कहाँ करते हो प्रॉपर्टी? मैं रोहिणी में हूँ, रोहिणी से। रोहिणी दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी, बस श्याम भारती जी हमारे डायरेक्टर जी ने हमें मौका दिया है तो हम उनको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, जो मैम ऑन लोकेशन साउंड होता है ना उसमें देखिए डायरेक्शन की भी आवाज आती है और साइलेंस नहीं रहता। अरे मेरी मतलब यार साइलेंस नहीं रहता तो यहाँ में डबिंग करनी पड़ती है और यहाँ की डबिंग की क्वालिटी साउंड की बहुत अच्छी रहती है। इसको फिर हम इसमें इसको मिक्सिंग मास्टरिंग के जरिए थिएटर के लाइक साउंड बनाते हैं, इसलिए डबिंग अलग से ही होती है बाद में। डबिंग बताइए, डबिंग क्या होती है? जैसे जब शूटिंग करते हैं लोग वहाँ पे, जैसे आप कहीं करते हो शूटिंग तो वो आवाज नहीं चलती क्या? नहीं, वो आवाज़ मोस्ट ऑफ नहीं चलती क्योंकि उसमें डायरेक्शन की भी आवाज़ होती है और अदर जो थिंग्स होती हैं उनकी भी आवाज़ें आती हैं। अगर हम किसी रोड पे शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ आस पास से जा रही होंगी उसका नॉइज़, बहुत सारे नॉइज़ आ जाते हैं तो इसलिए हमें डबिंग करना पड़ता है। डबिंग में वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें फिर हम मिक्सिंग वगैरह करके इसे थिएटर लाइक जो वॉइस है इसमें वो क्रिएट कर सकते हैं, तो डबिंग का होना बहुत ज़रूरी है मूवी अगर आप बना। तो आपको पहले एक बार शूटिंग करनी होती है? बिल्कुल, फिर उसी एक्टर को। हाँ जी, डबिंग में ये होता है कि अगर आप अपनी ही आवाज अपने करेक्टर को देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, जो आप एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट निखर कर आ जाता है डबिंग के जरिए। और अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो डबिंग के जरिए कोई और भी उनकी आवाज को परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो बड़े बड़े एक्टर है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जी, तो ये भी दोबारा डबिंग के टाइम आते हैं? बिल्कुल आते होंगे, जहाँ पे डबिंग की जरूरत पड़ती होगी उन्हें बुलाया जाता होगा तब वो जरूर जाते होंगे। तो ये फिर डबल शिफ्ट होती है, एक बार शूटिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, एक बार होती है शूटिंग के बाद, फिर डबिंग के लिए अलग से तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है। अब काम है तो उसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो यानी दो बार? बिल्कुल। फिर वो दोबारा बिल्कुल जैसे एक बंदे ने डायलॉग बोला तो वो फिर सेम उसी डायलॉग को याद करना और सेम लिप सिंक मिलाना, ये मुश्किल काम नहीं है? दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी ना। हाँ, हर कोई इसीलिए तो एक्टिंग नहीं कर सकता है ना। और कैमरे में जो आपका साउंड, ऐसा नहीं है कि कैमरे में साउंड रिकॉर्ड ही नहीं होता, कैमरे में साउंड रिकॉर्ड होता है लेकिन विद नॉइस होता है, तो इसीलिए डबिंग किया जाता है। रेफरेंस साउंड हमें कैमरे से जो शूट होता है उसमें से मिल जाता है तो उसके बिहाफ पे डबिंग की जाती है। चलो थैंक यू मैम। ओके, तो खत्म हो गया सर? हाँ बस अभी थोड़ा सा और शूट होना बाकी है। थैंक यू सर। फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग सिनेमा हॉल पे जाइए देखिए, बहुत शानदार फिल्म है। कौन कौन से सिनेमा में लगेगी? दिल्ली के, यूपी, अदर स्टेट, पूरे इंडिया में, सब में लगेगी, सारे सिनेमा पे। हां जी, बड़े पर्दे पे रिलीज हो रही है। कब तक आ जाएगी दीपक जी? अक्टूबर, अक्टूबर 2010। तो यूट्यूब के दर्शकों को फिल्म के बारे में बताओ कि देखें। बिल्कुल देखें, घरों से निकले, अपने परिवार से देखें, फैमिली मूवी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, पूरे परिवार के साथ आप बैठ के थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं स्टोरी का? नहीं नहीं दे सकते तो आपको फिल्म देखने, फिल्म देखने के बाद आपको मजा आएगा। चलो थैंक यू सर। ओके बाय। ये थे मासूम कातिल फिल्म के कुछ एक्टर और यहाँ पे डायरेक्टर भी बैठे हैं और सब बैठे हैं और यहाँ पे डबिंग हो रही है, तो इन्होंने बोला कि एक बार जब शूटिंग होती है और दूसरी बार जब डबिंग होती है तो भी उन एक्टरों को आना पड़ता है और जब जाके एक पूरी फिल्म तैयार होती है। कितना मुश्किल काम है, जो आप फिल्म देखते हो कितना मुश्किल मुश्किल चीज़ें हैं, तो थोड़ी सी बारीकियां दिखा पा रहा हूं लेकिन मैं और फिल्म के अंदर बारीकियां दिखाऊंगा। तो मासूम कातिल ज़रूर सिनेमा में जाएं और हमारे श्याम भारती जी की मेहनत और इनके सुपुत्र, क्या नाम है सर आपका? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता जी,
और ये डायरेक्टर हैं और ये एडिटिंग डायरेक्टर भी हैं।